इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में धूमधाम से 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई। कलेक्टर मनीष सिंह भी अपने परिवार सहित खजराना श्री गणेश मंदिर पहुंचे। उन्होंने गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ गणेश जी के पूजन के साथ किया। इस अवसर पर नगर निगमायुक्त प्रतिभा पाल भी मौजूद थी। यहाँ के राजा गणेश जी माने जाते हैं, अपने खजराना गणेश जी माने जाते हैं और हमेशा आशीर्वाद रहा है गणेश जी का। विघ्नकर्ता भी हैं, सुख समृद्धि भी देते हैं और ये विशेष जो अभी आशीर्वाद गणेश जी का हुआ है, जिस प्रकार से शहर ग्रोथ कर रहा है, मेरा मानना ये है कि स्वस्थ रहते हुए गणेश जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि सभी शहर स्वस्थ रहे, अच्छा शिक्षा हो यहाँ पर और रोज़गार अच्छे मिले, मेरे ख्याल सभी दिशाओं पे ये शहर पूरे देश के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर टू सिटीज़ की कैटेगरी में आ चुका है। आज टीयर वन की कैटेगरी में कुछ ही बड़े शहर हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बेंगलोर है, पर अब जो टीयर टू सिटीज़ में मेरा मानना ये है कि हैदराबाद और बेंगलोर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आने वाले समय में इस लेवल पे ये शहर बहुत शीघ्र पहुंचे। इस बार खजराना गणेश को रोजाना 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और इस बार गणेशोत्सव के 10 दिनों तक तकरीबन 1,25,000 लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर खजराना गणेश का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया है। इस बार भगवान गणेश को स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य आभूषण शामिल हैं। साथ ही रोजाना अलग अलग तरह का श्रृंगार भी भगवान गणेश का किया जाएगा। मंदिर में दर्शन के लिए उज्जैन के महाकाल भगवान की तर्ज पर भगवान खजराना गणेश के दर्शन को लेकर व्यवस्था की गई है।